Hello everyone, I hope you all are well. Today my topic is retail. What is a retail? मैं आपको पहले डिफाइन कर देता हूँ रिटेल क्या होता है. रिटेल एक जगह होती है एक जिसके एक रूफ के अंडर जहाँ पे छोटे चीज जहाँ पे चीज़ों को इंडिविजुअली या क्वांटिटी में बेचा जाता है बेचते हम सेल करते हैं वो जगह कहलाती है रिटेल. उसको अगर डिफाइन किया जाए तो रिटेल इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग कंज्यूमर गुड्स और सर्विस थ्रू मल्टीपल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू अर्न ए प्रॉफिट. एक तरह से एक प्रोसेस होता है एक रूफ के अंडर, एक रूफ कन्फर्म एक रूफ होती है, एक रूफ के अंडर जहाँ पे कंज्यूमर्स को हम गुड्स और सर्विस, गुड्स मतलब हो गया वस्तुएं और सर्विस सेवाएं हम मल्टीपल चैनल्स से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. मतलब कि हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंज्यूमर को गुड्स और सर्विस. क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? टू अर्न ए प्रॉफिट. जो रिटेल के जो आउटलेट्स होते हैं यहाँ पे जो ओनर्स होते हैं ये अपनी सर्विस एंड गुड्स दोनों को सेलिंग करते हैं फॉर अर्न ए प्रॉफिट. दिस इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. यू कैन डिस्क्राइब दैट व्हाट इज रिटेल एंड अदर वर्ड्स. इफ अगर आप चाहते डिस्क्राइब करना तो रिटेल व्हाट इज रिटेल, तो रिटेल इज द सेल ऑफ प्रोडक्ट टू कंज्यूमर इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी. इसका मतलब ये हो गया रिटेल इज द सेल ऑफ प्रोडक्ट. रिटेल को हम सेलिंग करते हैं कंज्यूमर को एक छोटी सी क्वांटिटी में. आपने देखा होगा रिटेल कभी आप शॉपिंग करेंगे जाते होंगे आप शॉपिंग करने भी कभी आपने नोट नहीं किया होगा कि होलसेल और रिटेल में क्या फर्क होता है. होलसेल और रिटेल में यही फर्क होता है, होलसेल में बल्क में बाइंग होती है. जैसे कि आप कभी होलसेल में जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में चीज़ों को खरीदा जाता है. बट रिटेल में ऐसा, रिटेल में जाएंगे तो आप एक पैंट जैसे कि आप पैंटालून जाएंगे, लाइफ स्टाइल जाएंगे, मैक्स जाएंगे, सोपर स्टॉप जाएंगे, तो वहाँ पे इंडिविजुअली आप पैंट ले सकते हैं. आप चाहे तो एक पैंट ले सकते हैं, दो पैंट ले सकते हैं. बट अगर आप चाहे बल्क में तो बल्क में आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं वहाँ पे. मे बी कोई स्टोर दे देता हूँ, अदरवाइज रिटेल में कभी भी आपको बल्क में चीज़ें रिटेल में नहीं मिलती है, वहाँ पे पीसीज भी कम लगे होते हैं. सेकेंड हमारा आता है रिटेल में दो बेसिक चीज़ें होती है, दो पार्ट्स में बेसिक होते हैं इसके. एक पार्ट होता है इसका जो जहाँ पे मैक्सिमम लोग शॉपिंग करते हैं वो बता देता हूँ आपको. पहला होता है इसका जहाँ पे मैक्सिमम जो बाइंग करते हैं वो होता है अपेरल्स मतलब कपड़े. सेकंड होता है हमारा एफएमसीजी स्टोर. एफएमसीजी स्टोर वो स्टोर होते हैं जहाँ पे कस्टमर होता है वो अपने डेली की नीड्स को बाइंग करता है. लाइक एफएमसीजी का फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं आपको. एफएमसीजी का फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स. वो चीज़ें जो बहुत जल्दी यूज कर कंज्यूम हो जाती है, बहुत चीज़ें जैसे कि मान लो आप सपोज को शुगर होता है. शुगर होता है वो हमें डेली नीड में हमारे, वो हम अगर हम एक दो बार चाय बना लेंगे थोड़ा बहुत शुगर होगा तो ख़त्म हो जाएगा. हमें डेली शुगर ही चाहिए होता है, मतलब शुगर चाहिए होता है या हमको टी चाहिए होता है, तो डेली बेसिस की नीड हमारी. राइस हो गया, तो ये चीज़ें हमारी डेली नीड्स होते हैं. ये एफएमसीजी के अंडर में आती हैं. एफएमसीजी के स्टोर्स होते हैं, एफएमसीजी के स्टोर्स पे आपने आप नियर बाय देखा होगा फेयर प्राइस हो गया या प्लस 610 नाम के स्टोर्स थे. अब आप देखा होगा तो विशाल मेगा मार्ट हो गया. विशाल मेगा मार्ट थोड़ा एफएमसीजी में वो थोड़ा मर्ज होता है, वो उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा मैं. बेसिकली जो टाइप्स होते हैं रिटेल्स के वो 7 टाइप्स रिटेल्स होते हैं. मैं इसके बारे में तो डिस्क्राइब बाद में करूंगा, मैं आपको बता देता हूँ ये पॉइंट्स क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके. इसका जो पहला पॉइंट है स्पेशल स्टोर्स होते हैं. सेकंड स्टोर्स होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर. थर्ड होते हैं सुपर मार्केट स्टोर. फोर्थ होता है कन्वेंस स्टोर. फिफ्थ होता है ड्रग स्टोर. सिक्स होता है डिस्काउंट स्टोर एंड सेवन्थ होता है ई कॉमर्स स्टोर्स. ये इसके टाइप्स हैं रिटेल्स के स्टोर्स के. ये अगर आप मैं आपको ये इसके बारे में जो डिस्क्राइब करना हो नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा. अभी आप ये ढंग से मतलब जान लीजिए कि रिटेल क्या होता है. दोबारा मैं आपको डिट आउट कर लेता हूँ इसको. रिटेल इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग कंज्यूमर गुड्स और सर्विस थ्रू मल्टीपल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूट टू अर्न ए प्रॉफिट एंड और रिटेल इज द सेल ऑफ प्रोडक्ट टू कंज्यूमर इन ए रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी. ये चीज़ें आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आप कभी भी इंटरव्यू देने जाते हैं रिटेल्स के आउटलेट्स में तो आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन रेज होगा. इंटरव्यूअर जो होगा सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि व्हाट इज रिटेल, तो आपको ये पता होना चाहिए. आप इसको लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं. ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं है, मैं इसलिए सिंपल से वर्ड में लिखा है. आप इंटरव्यू में जाएंगे तो सिंपल से ही वर्ड में आपको रिटेल के बारे में बताना होता है. आप जितना लंबा बताओगे उतना ही लंबी डिटेल है. कहते हैं रिटेल इज डिटेल, तो आप उतना ही कंफ्यूज जाओगे. तो सिंपल से वर्ड में आपको बताना है रिटेल क्या है. रिटेल इज द सेल ऑफ प्रोडक्ट टू कंज्यूमर टू रिलेटिव स्मॉल क्वांटिटी. मतलब जहाँ पे वो जगह जहाँ पे हम एक रूफ के अंडर चीज़ों को छोटी छोटी मात्रा में बेचते हैं वो जगह रिटेल कहलाती है. इतना बोल देंगे तो काम बन जाएगा आपका. ओके,
बाकी जो डिस्क्राइब करना है मुझे डिटेल्स के टाइप, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। तो सो बाय, टेक केयर।